दोस्तों काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद फाइनली फाइनली हमारा सामान जो है डिलीवरी हो चुका है। वो है हमारा ड्रीम साइकिल। जब हम ड्रीम साइकिल ट्राई करने के लिए ऊपर जाते हैं तो यहाँ बहुत गंदी तरीके से मेरा दोस्त गिर जाता है। साइकिल के बारे में बता दे तो ये लोग का साइकिल में कोई गियर नहीं है, नॉन गियर है, तो इसीलिए मैं बोला हूँ तुम लोग सीट पे चला के ऊपर की तरफ आओ। लेकिन ये देखो ये तो ऐसा ही आ गया। पर वेट, रुको यार, आपका भाई ने लिया है गियर वाला साइकिल जो कि बहुत आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। पर रुको, ये मैंने कहाँ से लिया, कितने में लिया, फुल रिव्यू जानने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों सुबह सुबह ही मेरे पास पार्सल आ जाता है। सुबह सुबह नहीं, आते आते पूरे 4 बज जाते हैं। और मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ, खुश इसलिए हूँ क्योंकि देखो लाइफ में ना हर इंसान अपना अपना एक सपना देखता है कि हाँ मेरा भी सपना पूरा हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, जो कुछ भी हो वो अपने पैसे से पूरा हो। पर हर इंसान का सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसा ही मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं अपने पैसे से एक साइकिल लूँ और फाइनली वो आज पूरा होने वाला है। हमारे गांव वाले लोग सारे भैया और भाई आ जाते हैं देखने के लिए क्योंकि ये लोग को पता ही नहीं है कि क्या चीज ऑर्डर किया हूँ। मुझे खुद पता नहीं है कि क्या आया है तो मैं कैसे बताऊँ। अरे ऐसा बात नहीं यार, मुझे पता है क्या चीज है इसमें। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रहता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। और फ्लिपकार्ट वाले से एक विनती है यार, इतना बड़ा LCD का खोप में साइकिल ना भेजो। गाँव वाले सब परेशान थे यार, इतना बड़ा TV मंगा लिया, कहाँ यार इतना पैसा होगा, इतना बड़ा TV ले लेंगे। तो दोस्तों अभी सामान रख दिए यहाँ पे और इसका अनबॉक्सिंग अभी कल सुबह हो सकता है। कल सुबह इसलिए करेंगे क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया, मज़ा नहीं आएगा। और सब बोल रहा था इसके अंदर LCD है, तो मैं ये झाका झाकी करके देखने के लिए ट्राई कर रहा था। नहीं यार, इसमें TV नहीं है, साइकिल है। The next day. तो दोस्तों सुबह हो गया, अभी हम चलते हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे क्योंकि ना हमार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे लेके जा रहे हैं हम लोग बहुत दूर। तो चलो दिखाते हैं कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, चल उठाओ। हाँ चलो, इसके बाद अपना ही गांव वाले दोस्त लोग को कुली बना देता हूँ, उठाओ सालो और सब मिलके ले चलो। फिर जब लेके जा रहे थे ना, ये लोग बोल रहा था कि इतना बड़ा LCD कहाँ लेके जाओगे, तो मैंने बोला कि खेत में लगाऊंगा और जाके TV देखूंगा मजे के साथ। और मजे अभी बात दो, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं देखो यहाँ पे अभी जाना अनबॉक्सिंग करने के लिए। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इसके बाद अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। गांव वाले कुली भाई की जय हो यार, तो यही लोग लेके आया है। तो अनबॉक्सिंग बाद में, ये लोग बोला कि अनबॉक्सिंग बाद में करना, पहले मंगाओ समोसे, क्योंकि समोसे के अंदर रहता है आलू। और तो तुम जब खाओगे समोसे वाला आलू तो वीडियो बनाने समय रहेगा तुम्हारा दिमाग चालू। तो मैंने बोला वाह बेटे मौज कर दी, क्या बात है। तो मैंने बोला तुम लोग मौज करो, मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों काफी देर हो गया, तो अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है, काफी अच्छा जगह चला आया हूँ, यहाँ पे काफी अच्छा है, तो चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग का इंतजार खत्म हुआ, ये देखो मेरा ड्रीम साइकिल। वाह क्या लुक दे रहा है, लुक कहाँ भी उठाया ही नहीं यार, पहले तो उठाने दो। हाँ अभी दिख रहा है ना, ये देखो ड्रीम साइकिल, क्या बात है। लेकिन एक चीज़ है यार, ये तो पूरा फिटिंग है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो पूरा फिटिंग दिया है मेरा साइकिल। तो चलो अभी फटाक से निकलते हैं गोवा की तरफ। अबे साले अभी गोवा नहीं जा रहे हैं यार, पूरा रिव्यू तो देने दो आप लोग। अब आए ना लाइन पे को, फिर निकलेंगे गोवा की तरफ। और एक चीज बता दे, मेरा साइकिल देखो पूरा फिटिंग आया है पहले से ही, तो इसका सामान क्या क्या आया ना आप लोग को दिखा देते हैं। तो आप लोग अभी ध्यान से देखो, सामान इधर उधर ना चला जाए। अरे नहीं यार, सामान कहाँ जाएगा मेरे हाथ से। तो दो पेपर देता है और साइकिल के बारे में, कैसे आप साइकिल चला सकते हो तो आप सीख लेना मैं तो जानता हूँ। इसके बाद एक पेटल देता है, 3 कलेंकी और 1 पाना। साइकिल में मेरा कुछ काम नहीं है, बस सिर्फ ये हैंडल लगाना हुआ है और कोई काम नहीं है। इसके बाद मैं देखा हूँ यार, ये तो हेलीकॉप्टर वाला फील आ रहा है कि ऐसे वो करके चलाओ, इधर करो तो इधर चला जाएगा। यार हेलीकॉप्टर कहाँ। फिर मैं ठीक कर लेता हूँ, अपना हैंडल लगा लेता हूँ। इसके बाद दो पेटल जो देता है, इसमें लेफ्ट राइट लिखा हुआ था, L और R, तो मैं इसको भी फिटिंग कर देता हूँ और फिर आप लोग को फटाक से चला के दिखाता हूँ। हवे के जैसा देखना, अभी उड़ेगा इसे। अभी पूरा पहले साइकिल फिटिंग कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। फाइनली अपना साइकिल जो फिटिंग हो गया है, ओल्ड फिटिंग। तो ये फिटिंग करने के बाद कुछ हमारा साइकिल देखो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। साइकिल चलाने से पहले दोस्तों थोड़ा सा देख लो हमारा सस्ते वाला सिनेमेटिक शॉट।
तो दोस्तों फाइनली मैं साइकिल चला रहा हूँ अभी, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है यार। पता नहीं क्यों जैसा टाइट लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा है चलाने में, पता नहीं क्यों। और एक चीज़ ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो रहा था साइकिल में। दोस्तों इसके बाद समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं फिर साइकिल नहीं चलाया, क्योंकि अभी थोड़ा सा ख़राब है, बाद में और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो कैसे चलाएंगे। मतलब मेरे से सेट ही नहीं हो रहा था गियर। चला के इतना नहीं दिखाएं क्या अच्छा क्या बुरा, थोड़ा एक दो दिन चला लेते हैं, इसके बाद बताएंगे कि हाँ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। दोस्तों फाइनली दो दिन हो गया और आज मैं देने वाला हूँ साइकिल का रिव्यू। बनोती रे, बच गया बाल बच गया। वो देखो एक कंपनी उधर, ये देखो क्या हो गया उसको। यार दोस्तों मैं आया हूँ साइकिल का रिव्यू देने, लेकिन यहाँ तो क्या शूटिंग चल रहा है यार। तो अभी बता देते हैं, ये भाई लोग का जो साइकिल है, तो ये लोग का ना कोई गियर नहीं है, मतलब नॉन गियर साइकिल है इसका। और ये देखो ये साइकिल जो है, ये भी मतलब नॉन गियर साइकिल है, इसमें कोई गियर नहीं। फिर मैं ये लोग को चैलेंज दिया हूँ कि ऊपर से चलाते हुए नीचे की तरफ जाओ और नीचे से चला के ऊपर की तरफ आओगे, ऐसा कर लोगे तो दो दो बियर मिलेगा। फिर जो हुआ अब बारी है लोग का चैलेंज पूरा करने का। पहला बंदा जब चैलेंज पूरा कर रहा, तब देखो क्या हुआ इसके साथ। फिर ये साइकिल ठेलते हुए ऊपर की तरफ लाता है यार, नहीं होगा चैलेंज। दोस्तों ये लोग का शकल देखो पूरा उतर गया, जब चैलेंज दिए थे तब एकदम उड़ते हुए गया था, जब ऊपर नीचे से जब ऊपर आए देखो चेहरा पूरा उतर गया। और पहला वाला लड़का जो जाता है उसका साइकिल तो वो उठा ही नहीं पाता, लास्ट में मेरा दोस्त साइकिल उठा के ले गया। दिखाते हैं ठीक है, ये जो है ना मतलब कैसे ऊपर उठाने में दिक्कत नहीं होता बताते हैं। पहले देखो हम रखे हैं इधर सबसे लो में, मतलब 6 नंबर में, और ये वाला है अभी 3 नंबर में। इसके बाद में फिर हम करेंगे वो, इसके बाद पीछे के साइड भी रखेंगे 1 नंबर और आगे के साइड भी रखेंगे हम लोग 1 नंबर। तो चलो दोस्तों चैलेंज पूरा करने का मतलब अभी मेरा बारी है। मैं देखा आने के जैसा जाता हूँ, हेलीकॉप्टर के जैसा रिटर्न आता हूँ। तो फिर चलो अभी मैं अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ। ये गियर जो है ना नॉर्मल गियर रखा हूँ, कोई मतलब ये नहीं कि हाँ बढ़ा के रखा हूँ जब मैं जल्दी चढ़ सकूँ, नहीं, नॉर्मल गियर जैसे वो लोग का गियर है, सेम मैं भी ऐसा ही करके रखा हूँ। तो बहुत जोर लगा रहा हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं, देखते हैं दूसरा राउंड मार के। तो अभी दूसरा राउंड फिर से शुरू किए हैं, वही कोई गियर नहीं है, नॉर्मल जैसे वो लोग का साइकिल था सेम मेरा भी साइकिल वैसा ही है। चलो जोर लगाओ फिर ना। दोस्तों मैं ज़्यादा जोर नहीं लगाया, किस लिए, क्योंकि देखो ये चेन जो होता है ना इसका चेन पतला होता है, और जो नॉन गियर साइकिल होता है वो लोग का चेन थोड़ा मोटा होता है, तो इसलिए मैं यहीं से स्किप करता हूँ। 2 बार हो चुका है, अब चलो गियर में ट्राई करते हैं। दोस्तों पहले था 7 नंबर में, अभी किए हैं 1 नंबर में, ठीक है। ये है 1 नंबर और आगे के साइड दिखा दे, ये देखो आगे भी रखे हैं 1 नंबर। तो अभी देखो कैसा चलता है साइकिल। तो दोस्तों अभी जो मैं साइकिल चला रहा हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं आराम से सीट पे बैठ के साइकिल चला रहा हूँ। तो इसी का फ़ायदा होता है गियर साइकिल लेने का। इसीलिए दोस्तों अगर साइकिल लेने जा रहे हो ना, तो अगर पैसा है थोड़ा सा तो और थोड़ा सा लगा के गियर वाला साइकिल ले लो। देखो आसानी तरीके से कहीं भी मैं ऊँचाई के ऊपर चढ़ सकता हूँ, मतलब सीट पर बैठ कर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि चलो ये सब तो ठीक है, पर इसका दाम कितना है? तो इसका दाम है दाम दोस्तों ऊपर नीचे होते रहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर लेना। और 500 रुपए का बात करें तो 500 रुपए में मुझे ये 2 मार्केट मिला है बस। तो दे रहे हैं अभी चलाने के लिए थोड़ा देर, इसके बाद 30 कारो चलाएगा, ठीक है। अच्छा लगा, मजा आ गया ना। ये क्या उठा ले रहा है?